खाओ खा ली, तुम्हारे भीड़ में पीर होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। इकरा तैयार हो गई है ऑपरेशन के लिए, अभी हम ऑपरेशन थिएटर में जाने लगे हैं। तो बस थोड़ा सा रोई है, बहुत परेशान है, इसके लिए दुआ करें स्पेशल बाय स्पेशल। ये इसकी फाइल सारी रो रही है, इसकी आंखें देखो। स्लीपर कोई पहन लो ना, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया है। और ये देखिए, जब मैं थिएटर से आई उसके कुछ देर के बाद, जब मैं स्टेबल हुई तो मैंने क्लिप लिया, और तब मुझे चक्कर आ रहे थे, अभी पूरी तरह से मैं नहीं थी अपने सेंसेस में, और मैंने अपना चक्कर खाते हुए क्लिप भी चक्कर खाने वाला है वो शूट किया। और फ्रेंड्स, ये है घर जाते हुए का एक क्लिप मैंने लिया था गाड़ी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस हम घर जा रहे हैं। और ये देखिए, मैंने अपनी टांग जो है तकिए के ऊपर इसको ठीक से सेट करके रखा है। आयशा सामने फ्रंट सीट पर बैठी है और अब्बू जो हैं वो बाइक पे आ रहे हैं। और ये सामने मैं आपको दिखाती हूँ मिरर में, ये सामने बाइक पे जो है नज़र आ रहे हैं, ये हैं अब्बू जान। सो अब्बू जान को फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ, डिस्चार्ज हो चुके हैं हम, और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। और अभी मैंने जैसे कि क्लिप लगाया, मैंने नाश्ता किया अभी, और बस मैंने कहा फिर आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं जितना है। बस अभी मैं चल तो नहीं रही हूँ क्योंकि मैं टांग का ऑपरेशन हुआ है। सो आई थिंक पहले मैंने नहीं बताया, तो मैंने कहा चलो बताना भूल गई थी कि मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ है, सो जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। सो फिर बैठे बैठे और जितना ट्राई कर सकूँगी कि मैं कैप्चर कर सकूँ, सो मैं उसको अपलोड करूँगी। अभी मैं नाश्ता कर लिया और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो पट्टी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पट्टी हमेशा खुद करती हूँ अपने ऑपरेशन की। इससे पहले भी मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं, सो उनकी बैंडेज मैं खुद करती हूँ। और ये है पट्टी का सामान, और फिर हम करते हैं अपनी पट्टी। और ये देखिए, ये मेरी टांग है, और यहाँ से लेके तकरीबन आई थिंक यहाँ तक जो है ऑपरेट हुआ है। सो मिलते हैं अपनी पट्टी चेंज करने के बाद। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने पट्टी कर ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक हूँ। खुद पट्टी करने से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि आप किसी और से डॉक्टर से पट्टी कराते हैं तो वो लोग तो बस लाइक आपको दर्द हो रहा है कुछ भी, बस ठिश ठिश करके उन्होंने उतार देनी है, लगा देनी है। तो आप खुद अपने आप से पट्टी करो तो आराम आराम से जैसे मर्जी घंटा लगा के पट्टी करो, नो वरीज। तो फ्रेंड्स, 5 दिन लगातार हॉस्पिटल में रहने के बाद कल अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर वापस आ चुके हैं। और ये वाला ऑपरेशन जो है, ये मैंने पहली दफ़ा सरकारी अस्पताल से करवाया है, और सच में मुझे पता है कि 5 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ नहीं होता सरकारी अस्पतालों का, पता नहीं कुछ का होता हो, लेकिन बस प्राइवेट हो या सरकारी हो, बस अस्पतालों में कभी किसी दुश्मन को भी अल्लाह ना लेके जाए। सो बस मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी से ऑपरेशन हो गया। वैसे तो हम लोग पिछले महीने की ये मई है, अप्रैल, पिछले महीने की 16 तारीख से हम लोग एडमिट थे, डेट भी नहीं मिलती सरकारी अस्पतालों में इस तरह से और बिना सिफारिश के। तो बस हम लोग जाते थे आ जाते थे, और फिर जब डेट मिली और वो भी मिली ईद के बहुत करीब की, तो फिर अबू ने कहा कि नहीं अब ईद के बाद ऑपरेशन करवाएंगे। सो फिर हम लोग थोड़ा पोस्टपोन कर लिया था, और फिर ईद के बाद हम लोग गए मंडे को, ट्यूसडे को हमारा ऑपरेट हो गया, मेरा ऑपरेट हो गया, और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस कल हम लोग घर आ गए हैं, तो मैं खुश हूँ, फीलिंग सो 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 गुड। पता है बंदा मतलब वैसे इतना बीमार ना भी हो ना, लेकिन हॉस्पिटल में बंदे को लगता है कि सच में मैं बहुत बड़ा मरीज़ हूँ, तो घर में आके बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कि बंदे की आधे से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही चली जाती है घर आके, बस बंदा ठीक है, बस खुद को अच्छा फील करता है। इतने सारे मरीजों में आप सच में खुद को बहुत बड़ा मरीज़ समझने लग जाते हो। और लाइट चली गई थी बीच में, चलो अच्छा होगा, अब जब मैंने एंडिंग लेनी है तो लाइट आ गई। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। मेरी दुआ लाजमी करनी है, जल्दी से